वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने केवल 7 ओवर में पहले दिन ही जीत लिया दूसरा टेस्ट मुकाबला और ऐसा करने वाली टीम इंडिया दुनिया की पहली टीम बनी। दोस्तों अभी देखना चाहते हो भारतीय टीम ने कैसे जीता दूसरा टेस्ट मुकाबला केवल 7 ओवर में, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक पारी 141 रन के बड़े अंतर से जीत लिया था। और दोस्तों दूसरा टेस्ट मुकाबला स्टार्ट हुआ जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम बना पाई 20 ओवर में 9 विकेट खोने के बाद केवल 125 रन, जिसमें रायमन रैफर ने 16 रन की पारी खेली, रैकिम कॉर्नवाल ने सबसे ज्यादा 47 रन लगाए 50 गेंदों में। भारतीय टीम की ओर से मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट चटकाए, शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट चटकाए जबकि जड्डू ने 2 विकेट चटकाए। उसके बाद दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम मैदान पे आई तो रोहित शर्मा डक पर आउट हो गए, बिना कोई खाता खोले पवेलियन लौट गए। फिर सोमर गिल साथ देने के लिए आए यशस्वी जायसवाल का, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ 19 गेंदों में 54 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली और सोमन गिल ने नाबाद 35 गेंदों में 72 रन की विस्फोटक पारी खेली और भारतीय टीम ने 12 ओवर में 1 विकेट खोने के बाद स्कोर बोर्ड पर लगा दिए 126 रन और इस मुकाबले को 9 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया। दोस्तों दूसरा टेस्ट मुकाबला स्टार्ट होने से कुछ समय पहले ये T20 की फॉर्मेट के रूप में प्रैक्टिस मुकाबला खेला दोनों टीमों ने।